राजपुरा में राजकीय कन्या माध्यमिक पाठशाला में कोविड 19 वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें राजपुरा पंचायत के लोगों ने कोविड 19 वैक्सीन के टीके लगाए। रिपोर्ट प्रदीप शर्मा। मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर राजपुरा। मैं आप लोगों को इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ रिगार्डिंग कोविड वैक्सीनेशन जो हमारे अभी चल रही है। ये हमारी कोविड वैक्सीनेशन चल रही है अबाउट 45 इयर्स और 65 अबव भी हैं इसमें। फ्रॉम फर्स्ट ये चलेगी अबाउट 18 प्लस टू 45 इयर्स। तो मैं सबसे अनुरोध करती हूँ जितने हमारे बुज़ुर्ग हैं वो अभी अपना टीकाकरण करवा लें। आज हमारे जो टीकाकरण हो रहा है तीन सेशंस में हो रहा है। एक सेशन है सनूरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, सेकंड सेशन है हमारा मावा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, थर्ड सेशन है हमारा गर्ल्स मिडिल स्कूल राजपुरा। मैं सबसे यही बोलूँगी कि अगर ये हमें 100% कवर नहीं करता उससे कोविड से, मगर ये हमें 60-70% हमें इस चीज़ से बचाता है कि हम हॉस्पिटल तक ना पहुँचे और ऑक्सीजन लेवल हमारा ना इतना मेंटेन कर देता है कि हमें आगे जाके एटलीस्ट हम हॉस्पिटल में शॉर्टेज जो अभी चल रही है ऑक्सीजन की उस कंडीशन तक ना पहुँचे। मैं सबसे हाथ जोड़ के यही गुजारिश करती हूँ जितने भी अपने आसपास के लोग हैं ये कि उनको एक कम्युनिटी स्प्रेड से बचाइए। अगर कोई पॉजिटिव आता है उसको रोकिए कि घर से बाहर ना निकले। लोग वहाँ पे अगर वो बाहर आए उससे उनको बोले कि आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके राशन जो कोई आपको जो एसेंशियल कम्युनिटी है वो उनके घर में पहुँचाइए, उनके डोर स्टेप पे दीजिए। क्योंकि एक बार कम्युनिटी स्प्रेड हो गया, आप देख रहे हैं जैसे हालत है बेंगलोर में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है लोगों को। हम नहीं चाहते कि हमारे ब्लॉक में या हमारे इधर यूटी में ऐसी प्रॉब्लम हो, क्योंकि एक बार कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा फिर तो हम किसी को बचा नहीं सकेंगे। अभी जितना है अगर कोई पॉजिटिव आता है उसके साथ ऐसा व्यवहार, ये नहीं करना कि अनटचेबल बना देना, उसके पास बिल्कुल जाना नहीं जाओ, बट उसके डोर स्टेप पे चीज़ें उसको प्रोवाइड करो। और दो दिन है हमारे पास, एक आज का दिन है और हमारा 30 तक है। जितने भी बुज़ुर्ग हैं अपने आसपास के नेबरहुड में जितने भी हैं उनको बोलो कि टीकाकरण करवाएं, बहुत ज़रूरी है ये हम सबके लिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर रितिका गुप्ता। आज हम यहाँ पर मिडिल स्कूल, गर्ल्स मिडिल स्कूल राजपुरा में यहाँ पर स्पेशल कैंप लगा हुआ कोविड वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि अब जैसे आप सभी को पता होगा कि 1 मई से जो है 18 साल से ऊपर की वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो जो हमें ऊपर हायर अथॉरिटी से इंस्ट्रक्शंस आई थी कि आप एक मतलब कि 1 तारीख से पहले जितने भी लोगों का रह गया हुआ उनको आप वैक्सीनेट करो, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हर एक पंचायत में जाके स्पेशल वैक्सीनेशन कैंप्स लगा रहे हैं और वहां पर ही बुला के लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं विद ऑल द टीम मेंबर्स। जो हमारे टीम डेप्यूट की हुई है वो वैक्सीनेशन भी कर रही है, AEFI मैनेजमेंट भी कर रही है और रजिस्ट्रेशन भी कर रही है। तो इस मौके पर मैं सभी लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि जितने लोग जो उनको टीका नहीं लगा हुआ जो 45 साल से ऊपर है, आके यहाँ पे हर एक स्पेशल पंचायत में सेशन लग रहे हैं वहाँ पर आके अपने आपको वैक्सीनेट करवाएं, ताकि 1 मई से पहले जितने हमारे बुजुर्ग लोग हैं 60 साल से ऊपर और 45 साल से ऊपर वाले हैं वो हम कवर कर लें, ताकि हम जल्द से जल्द इस कोरोना के साथ अपनी महामारी के साथ अपनी लड़ाई लड़ें और उसको जीतें। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।